नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी का एग्ज़ाम एनालिसिस, ठीक है। जो GS से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं आज पूरे अपन उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था आपको, संगीत का संबंध किस वेद से है। संगीत का संबंध किस वेद से है, तो वह है समवेद। किसका क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का, याद रखिएगा, इतिहास का, ठीक है, भारतीय। जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक को आप तो बिल्कुल तरीके से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो वह है गिरीश केमकर। कौन है, गिरीश केमकर। देखो, एक अध्यक्ष तो आ ही रहा है, किसी भी एसोसिएशन का एक अध्यक्ष तो आ ही रहा है, ठीक, ये भी याद कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ कनाडा कितने भारतीयों को मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आया है क्या है, ऑर्डर ऑफ कनाडा कितने भारतीयों को मिला है, तो कितने को मिला है, 3 को मिला है, ऑर्डर ऑफ कनाडा। ये क्वेश्चन कहाँ से, ये जो है वर्ल्ड GK से, ठीक, वो करेंट है, ठीक है। जो मिला है इनको मिला है जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर वेकांटू अंतम अय्यर, ठीक है, लक्ष्मण ये जो है रियल एस्टेट से, ठीक, और एक डॉक्टर प्रदीप को भी मिला है, ठीक। तो इन 3 लोगों को ये मिला है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर, मीतावली का 64 योगनी का मंदिर किसने बनवाया। मीतावली का 64 योगनी का मंदिर किसने बनवाया, बनवाया था राजा देवपाल ने। किस ईयर में बनाया था, 1932 में। कहाँ पे है ये मुरैना में, कहाँ पे है ये मुरैना में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर हुई। आप सभी को मालूम होगा, देखो ये ओलंपिक क्वेश्चन तो बिल्कुल आ ही रहे हैं, ठीक। ओलंपिक क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आ ही रहे हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। कितने ईयर में होता है ओलंपिक, ये होता है 4 ईयर में। पहला ओलंपिक शुरुआत कब हुई थी, एथेंस 1896 में। कब हुई थी, 1896 में एथेंस। तो आप बिल्कुल भी ओलंपिक तो पूरी पढ़ के जाइए, उसके बाद स्पोर्ट्स तो बिल्कुल पढ़ के जाइए, स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था, 13 अप्रैल 1919, ये डेट तो आपको याद होगी। इस दिन क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। सैफुद्दीन और खालिस्तान की गिरफ्तारी के विरोध में सभा आ गई। जो जलियांवाले बाग में जो सभा आ गई थी वो किसके विरोध में थी, वो थी सैफुद्दीन और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। कहाँ पे है ये अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में, ठीक है, याद रहेगा ये। और उस टाइम जो वो थे अंग्रेजों के, तो वो थे जनरल डायर, इनने गोली चलवाई थी, ठीक है ना, इनने करवाई थी जनरल डायर ने। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, होला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो होला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये पंजाब में, ठीक।
होला जो पर्व है कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश में 2021-22 का कुल बजट कितना था? टोटल बजट कितना था ये बताना था अपने को, तो वो था 2,41,375 करोड़। कितना था? 2,41,375 करोड़ रुपए। ये पहला कैशलेस मतलब पेपरलेस बजट था। इसमें टेबलेट के माध्यम से विधानसभा में बताया था। ठीक है, तो अपने वित्त मंत्री कौन है बताइए? कौन है वित्त मंत्री अपने? कौन है? जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी, ठीक है, ये जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत में देश कौन सा स्थान है? मतलब मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है, एमपी की जो लिटरेसी रेट है, वो देश में किस नंबर पे? वो है 28 नंबर। ठीक है, कितने नंबर पे? 28 नंबर पे। कितने परसेंट है ये जो है? अपन अगर देखें तो 80.23% है। ठीक, अगला क्वेश्चन था, सुपारी के खिलौने किस जिले में बनते हैं? तो बनते हैं रीवा में। यहाँ वाइट टाइगर भी है, वाइट टाइगर या सफेद शेर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग ने होलकर स्टेडियम में 2 शतक की पारी खेली थी, उस मैच में उन्होंने कितने रन बनाए थे? जो होलकर स्टेडियम है कहाँ पर है? पहली बात तो ये कि जो है इंदौर में। ठीक, 2 शतक लगा था। ठीक, इस पारी में कितने रन बनाए थे? उन्होंने बनाए 216 रन। किसके विरुद्ध बनाए थे? तो वो थी वेस्ट इंडीज। ठीक, अगला क्वेश्चन था, नहीं वेस्ट इंडीज, हाँ वेस्ट इंडीज ही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम पे 10,000 रन पूरे किए? किस स्टेडियम पे 10,000 रन पूरे किए? तो वही था होलकर स्टेडियम इंदौर। आप है ना, जो दोनों स्टेडियम है अपने जहाँ मैच होते हैं, एक ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम और इंदौर होलकर स्टेडियम, इन दोनों का जितना भी हिस्ट्री है इसके बारे में, कौन कौन से मैच हुए हैं, किस किस टीम ने खेला है, क्या क्या यहाँ इतिहास कुछ बना है, वो सब बिल्कुल याद कर लीजिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन इसमें से आ ही रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पीएम राइज योजना में कितने स्कूल खोले गए? पीएम राइज जो योजना है, ये योजना ऐसी है कि जिसको अपने जो गवर्नमेंट स्कूलों को एक प्राइवेट स्कूल के तरह बनाया जा रहा है, जो टीचर है वो अपने जो गवर्नमेंट टीचर है उनको, जो अच्छे टीचर हैं उनको इसमें लिया जा रहा है। तो कितने खोलने की योजना है? 350 खोलने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, किशोर कुमार को संगीत क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया हुआ है? तो किशोर कुमार जो है वो किस जिले से संबंध रखते थे? पहले तो याद रखो खंडवा से, ठीक है ना, खंडवा से रखते हैं। ठीक, क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है लता मंगेशकर अवार्ड। कौन सा अवार्ड? लता मंगेशकर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? सभी को मालूम है, कौन? सिद्धरमैया। ठीक है, पी पी बी पी बी पी सिद्धरमैया फर्स्ट गवर्नर थे वो एमपी के। अगला क्वेश्चन आया था, परमाणु बम किस देश ने किस पे गिराया था? परमाणु बम किस देश ने किस पे गिराया था? देखो ये अमेरिका ने गिराया था, ठीक है ना, जो परमाणु बम है वो किसने किस पर गिराया था? वो गिराया था अमेरिका ने कहाँ पे? जापान पे। कहाँ पे? जापान। ठीक है, उसने यहाँ पे 2 बम छोड़े थे, किस सन में? 1945 में। पहली बात तो पहले बम का नाम था जो उन्होंने छोड़ा था उसका नाम था
अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? लिटिल बॉय। फिर किस शहर पे छोड़ा गया था ये? छोड़ा गया था हिरोशिमा पे। एक दूसरा था कौन था? वो हुआ था 9 अगस्त को, वो था नागासाकी पे। उसका नाम था एटमैन। ठीक है, तो ये दो परमाणु बम गिराए गए थे जापान में, ठीक 1945 में। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की स्थापना कब हुई? आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1994 में, ब्रूटन वुड में, जो कहाँ पे है? यूएस में। कहाँ पे है? यूएस में। यूएस में, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो ये भी वर्ल्ड से आ ही रहा है क्वेश्चन, ठीक। ये जो है ये तो WHO आ बचा है, नहीं WHO आ गया, WTO है, ठीक है, IMF है, के बाद वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, ठीक। इन सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी परसों चैप्टर में एग्जिम बैंक का आया था, ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है, कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक। इसका पूरा नाम है, ठीक। इसमें कितनी कंट्रियाँ आती हैं? तो आती हैं 190 कंट्रियाँ, ठीक। इनका काम क्या है? सभी देशों को वित्त की सहायता देना, ठीक, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाना, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है? वो काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, रानी दुर्गावती महाविद्यालय कहाँ है? सबको मालूम है रानी दुर्गावती महाविद्यालय कहाँ है? वो है जबलपुर में, ठीक। कहाँ है? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन था, हरिशंकर परसाई का कहाँ से कहाँ के रहने वाले थे? हरिशंकर परसाई जो कहाँ के रहने वाले थे? होशंगाबाद के। खजुराहो को किस सन में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? किस सन में? 1986 में। अगला क्वेश्चन था, 1957 में विधानसभा की मध्य प्रदेश सीटों कितनी थी? मध्य प्रदेश की, जब अपना विभाजन अपन मध्य प्रदेश बना था, जब मध्य प्रदेश की कुल कितनी विधानसभा सीट थी? तो वो थी 288, 288। इंदौर की खंडपीठ की स्थापना कब हुई? देखो इंदौर में खंडपीठ है और एक ग्वालियर में, आई की हाई कोर्ट की अपनी, हाई कोर्ट का मुख्यालय जबलपुर। दो खंडपीठ है इसकी, इंदौर और ग्वालियर में, ठीक है। तो कब स्थापना हुई थी? 1968 का। तो आज ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक। आज बात करूँ मैं मैथ्स की, तो मैथ्स का वही पैटर्न है, सेम सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, एवरेज, एडवांस के तीन एक क्वेश्चन आ रहे हैं, रेक्टेंगल आयत से और वृत्त से, ठीक। हो गए नंबर सिस्टम, आप मान लो। डिवीजर वाले बहुत आ रहे हैं, ठीक है, भाजक वाले क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करो रीजनिंग की, तो रीजनिंग बात चेंज हुआ है, आज असमानता नहीं आई है, असमानता जो है नहीं आई है, ठीक। कथन निष्कर्ष आए हैं, पूर्व धारणा आई है, और यदि तो भी आए, ठीक। उसके बाद
डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग आज नहीं आया। इस टाइप के पूरे रीजनिंग के भी आप क्वेश्चन आज आए हुए हैं, ठीक है। अब साइंस की बात करूं मैं, तो साइंस में जो क्वेश्चन आए, एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है साइंस में, कि कुछ डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ या इस टाइप से कुछ, और पूछ रहे हैं क्या है, या अमीबा है या कुछ। दो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे हैं डायग्राम बेच के, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा एग्जाम एनालिसिस 22 जनवरी का, और रैंकिंग भी आ रही है रीजनिंग में। साइंस के क्वेश्चन वही 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आप फिर से बोल रहा हूँ कि आप मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी पढ़िए, ठीक। जीके में ज़्यादा मत पढ़िए, देखो जीके पढ़ना भी है तो आप स्टेटिक्स पढ़िए, ठीक। कि कौन कब बना, किस्त में क्या हुआ, ठीक। अन्य जीके बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक। यहाँ 65 नंबर है, यहाँ 10 नंबर है, और एमपी से भी 8-10 नंबर है, तो आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी बढ़िया नंबर आ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की सीरीज, तो कल से मैं आपको मिलूँगा साइंस के क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।